सो मेरे बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है, जैसा कि बजाज V15 की हिस्ट्री में जैसा कि लिखा हुआ है कि भाई इस वाले बाइक की जो बैटरी है वो कभी ना कभी ख़राब होगी। और बहुत लोग जो है वो इसी बात से परेशान रहते हैं कि भाई उनके बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई। सो इसी तरह से मेरी भी बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है। ख़राब होने का मतलब ये होता है कि लोड नहीं उठा पा रही है ना। तो मेरी बाइक की जो बैटरी है वो लोड नहीं उठा पा रही है। अब मैंने दिया था बेसिकली उसको चार्ज पे लगाने के लिए, अब पता नहीं उसने अब चार्ज किया नहीं किया चार्ज, उसने ऐसे ही उसने रखा रहा अपने दुकान में और फिर उसने ऐसे ही मुझे पकड़ा दिया, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन मैं बजाज V15 की हिस्ट्री को देख के है ना कि मतलब इस वाले बाइक की एक प्रॉब्लम है कि इस वाले बाइक में मतलब बैटरी जो है उसकी ख़राब हो जाती है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं मान चुका हूँ कि हाँ चलो इस वाले बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई। मेरे साथ 90% कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। अब 10% होता है कि भाई हो सकता है उसने चार्ज में नहीं लगाया होगा क्योंकि उसको भी बैटरी उसको बेचनी होगी, लेकिन चलो ठीक है जो भी है ना। फिलहाल कंडीशन इस समय ये है कि मुझे अपने बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज कराने से कुछ होगा नहीं, मुझे उस वाली बैटरी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। एंड यस, आज जो है वो मैंने उसको रिप्लेस मैंने नहीं कराया क्योंकि मतलब बैटरी जो है वो ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। ये जो बैटरी वाली जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली बजाज V15 की इतनी वाहियात प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा ख़राब प्रॉब्लम है कि मतलब यार इस बाइक की बैटरी कोई भी बैटरी आप लोग लगवा लो, एमरो लगवा लो, एक्साइड लगवा लो, कोई भी बैटरी आप लोग लगवा लो, लेकिन इस वाली बाइक में जो बैटरी है वो कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है। हालांकि मेरी कुछ गलतियां भी थी, जैसे कि मतलब 2 महीने तक मैंने अपने बाइक को मैंने चलाया नहीं था है ना, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी और डाउन होने की वजह से वो ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। शुक्र मनाओ एक्साइड की बैटरी थी है ना, तो लगभग 3-4 साल चली है जो कि ठीक ठाक चल गई है ना। मोस्ट ऑफ द बाइक में बैटरी जो है वो इससे ज़्यादा चलती नहीं है। एक्साइड की बैटरी बेसिकली 4-5 साल चली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 5 साल तो नहीं, 4 साल चली है जो कि मतलब अच्छी बात है इस वाले बाइक के हिसाब से है ना, क्योंकि इस वाले बाइक में दूसरी बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आसानी से ख़राब हो जाती है। एमरोन का तो भाई मैं बहुत में झेल चुका हूँ। तो ये वाली जो बैटरी है ये बेसिकली 4 साल चली है जो कि इनफ चल चुकी है ना। अब मुझे मतलब लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं मैं पहले से मैं समझ गया था कि ये वाली बैटरी जो है ये भी जाने वाली है ना, जब मतलब मेरे बाइक का जो सेल्फ है वो कभी कभी काम नहीं करता था है ना, प्रॉब्लम आती थी। चलो 4 साल चली, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही है 4 साल चले। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे अब इस वाले बाइक की बैटरी को जो है उसको चेंज करवाना पड़ेगा है ना, एक्साइड की नई बैटरी एकदम लगवानी पड़ेगी क्योंकि ये वाली बैटरी जो है ये पूरी तरह से जा चुकी है। वो काम अभी मैंने नहीं करवाया है, वो काम मैं फ्यूचर में बाद में कभी करवा दूंगा क्योंकि मतलब मैं 100% में श्योर होना चाहता हूँ कि भाई बैटरी ख़राब है। मैं अपने बाइक को मैं पहले चला के देखूंगा है ना, लगभग 100 किलोमीटर चलाऊंगा अच्छे से, बाइक के खुद के चार्जर से बेसिकली मैं चार्ज करने की बैटरी को कोशिश करूंगा। अगर चार्ज अगर हो जाती है चलाने से तब तो मैं उसको रिप्लेस नहीं कराऊंगा, लेकिन मतलब 100% श्योरिटी होनी जो है वो ज़रूरी होती है ना, तो श्योरिटी हो जाए मुझे, मैं उसके बाद मैं जाके मैं चेंज करा दूंगा। सो चलो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी अगर बजाज V15 और आप लोगों के बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है तो सबसे पहली बात आप लोग जो है वो एक्साइड की बैटरी लगवाओ है ना, क्योंकि एक्साइड की बैटरी बेसिकली लंबा चलती है किसी और बैटरी से। जैसे कि आप लोगों ने मेरी बाइक का आप लोगों ने देखा कि मेरी बाइक में ये वाली बैटरी जो है ये 4 साल चली है ना, जो कि ठीक ठाक है। कोई और बैटरी होती महीने भर में ख़राब, 6 महीने में ख़राब है ना, 7 महीने में ऐसे करके वो ख़राब होती रहती, तो मुझे बार बार मुझे चेंज करवाना पड़ता। कोई और बैटरी जो है वो इस वाले बाइक में उतना ज़्यादा नहीं चलती, एक्साइड की बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा चलती है और वो सबसे ज़्यादा है बेसिकली 4 साल है ना। और अगर मैं अगर कंटिन्यूसली अगर मैं अगर बाइक अगर चला रहा होता तो वो ठीक ठाक चल रही होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है, अगर बैटरी अगर ख़राब अगर हो ही जाती है बाइक की तो ऑब्वियस सी बात है इसका सोल्यूशन सिंपली एक होता है कि बेसिकली बाइक की बैटरी को जो है उसको चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये वाटरप्रूफ वाली बैटरी होती है ना, इसमें कोई भी इसमें पानी वानी नहीं पड़ता है तो सब ऐसे ही रहता है इसमें है ना। ये वाली बैटरी बेसिकली चेंज ही होती है ना, चार्ज होती है ख़राब होने के बाद। मोटरसाइकिल की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पाती है ना, चार्ज होने के बाद लोड नहीं उठा पाती है ना, मतलब चार्ज हो तो जाती है लेकिन लोड नहीं उठा पाती है, तो ख़राब होने का बेसिकली यही मतलब है कि लोड नहीं उठा। और जब लोड जब नहीं उठा पाएगी तो ऑब्वियसली बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, कुछ भी चीज़ जो है वो चलेगी नहीं। सो अगर आप लोगों के पास भी अगर बजाज V15 और उसकी भी अगर बैटरी अगर ख़राब हो गई तो सबसे पहली बात आप लोग एक बार ले जाके आप लोग चार्ज करवा लो है ना, या फिर बाइक को देर तक चला लो है ना, कि जिससे कि मतलब बैटरी जो है वो चार्ज हो जाए। उसके बाद देखो कि अगर बाइक अगर मतलब उसके बाद अगर बैटरी अगर लोड अगर उठाती है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है तब वो चार्ज हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर वो लोड अगर नहीं उठा पा रही है, उसके बाद आप लोगों की बाइक जो है वो सेल्फ से अगर स्टार्ट अगर नहीं हो रही है, तब आप लोगों की बाइक का भी बैटरी को चेंज कराने का समय जो है वो आ चुका है, जैसे कि मेरा आ चुका है। मैं भी कभी ना कभी फ्यूचर में मैं करा ही लूँगा चेंज है ना, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए। ये भाई मैं यूट्यूब के मनी से कराऊँगा जब आएगा, तो आप लोग जो है वो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जल्दी दबा दो। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। आज की वाली वीडियो ऐसी बना दी है कि भाई बैटरी ख़राब हो गई है तो चलो दिखा दें आप लोगों को
यानी कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं वालों से कल। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और कुछ भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं वालों से कल। चलो गाइस बाय बाय, यानी क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा कूलर वूलर सब बंद करना पड़ता है। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, हम मिलते हैं वालों से कल। आ जाओ।